फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं अभी ट्विन टावर के बारे में कि उसको गिराया क्यों गया था। आप जानते होंगे ट्विन टावर नोएडा के अंदर था क्योंकि बहुत बड़ा टावर था वो, और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से गिरा दिया गया। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था ट्विन टावर के गिराने का, क्योंकि परस्पर जो दूरी थी, वहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई थी, अपार्टमेंट बने हुए थे, उनकी डिस्टेंस आपस में बहुत कम थी। जबकि एक बायोलॉज के अंदर प्रोविजन है, डिस्टेंस है ना, दूर होनी चाहिए, जो मानक है स्टैंडर्ड बायोलॉजी के अंदर दिया हुआ है, दूरी का प्रोविजन दिया हुआ है, वो होना चाहिए। दूरी कम थी उसके अंदर, क्योंकि अगर दूरी कम है, अर्थक्वेक वगैरह आ गया तो बिल्डिंग लटक गई तो एक दूसरे के ऊपर लटक सकती हैं, गिर सकती हैं, नुकसान हो सकता है उसके अंदर। तो बायोलॉज में, बिल्डिंग बायोलॉजी के में जो बताया है, दूरी के बारे में बताया गया है, और मैं दूरी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जो बिल्डिंग बायोलॉजी है, उत्तराखंड का बायोलॉजी मेरे पास है इस समय, और यूपी में भी लगभग सेम ही है। तो मैं दोस्तों बताने जा रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू ब्लॉक्स, जो आप अपार्टमेंट बना रहे हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी रहनी चाहिए आपस के अंदर। तो बायोलॉजी में प्रोविजन दिया हुआ है, तो दो ब्लॉक के मध्य परस्पर दूरी उच्चतम ब्लॉक की ऊंचाई के आधार पर डिपेंड करती है और निर्धारित की गई है। नंबर एक, 10 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के लिए दो ब्लॉक के मध्य परस्पर दूरी 3 मीटर होना जरूरी है, और 12 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवन, यानी जो 12 दिन की 12 मीटर हाइट है, उसका प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ दो ब्लॉक जो बनेंगे उसके मध्य जो परस्पर दूरी होगी 4 मीटर होनी जरूरी है, आवश्यक है। तीसरा है, 12 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले भवनों के लिए दो ब्लॉक के मध्य की दूरी प्रत्येक 3 मीटर ऊंचाई वृद्धि पर 1 मीटर अतिरिक्त छोड़नी होगी, एडिशनल 1 मीटर आपको जो छोड़नी होगी। इसके साथ हम अब बात करेंगे रिलैक्सेशन इन सेटबैक्स। सेटबैक के बारे में मेरे से बात करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने सेटबैक के बारे में बताया था, और सेटबैक के अंदर जो रिलैक्सेशन दी है बायोलॉजी के अंदर, थोड़ा मैं आपको बायोलॉजी देख के बता देता हूँ। जो आप भवन बना रहे हैं उसमें निम्नलिखित रूप से सेटबैक्स में आपको छूट दी जा सकती है, और ये प्रोविजन भी है। नंबर एक, भूखंड अंतर्गत सेटबैक खुले स्थान में अधिकतम 1.8 मीटर तक की ऊंचाई की बालकोनी, छत, छज्जे का निर्माण सेटबैक में किया जा सकता है। 1.8 मीटर के उपरांत बढ़े हुए भाग की गणना FAR से होगी। यह निर्माण सेटबैक की चौड़ाई से आधे से अधिक नहीं होगा। दूसरा है, ड्राइववे के ऊपर साइड सेटबैक में प्रवेश द्वार के निकट अधिकतम 3.5 मीटर चौड़े और 6 मीटर लंबे व परिक्षिप्त तथा स्तंभों व अवलंबित पर्यटकों पोर्टिको का निर्माण अनुमन्य होगा। पोर्टिको के ऊपर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। तीसरा है, अधिकतम 6 वर्ग मीटर क्षेत्र का पर गोला, जिसको बोलते हैं, जिसमें खुला भाग न्यूनतम 40% होगा और उच्चतम जो ऊंचाई न्यूनतम होगी 2.2 मीटर अनुमन्य होगी। बेसमेंट तथा भूतल में के अधिकतम 1 अनुवर्ती तल में जाने के लिए सेटबैक में के अंतर्गत रैंप का निर्माण, अग्निशमन सुरक्षा, फायर टेंडर के सुगम आवागमन के लिए वांछित क्षेत्र अवरोध मुक्त आरक्षित रखते हुए अनुमन्य होगा। ये बायोलॉजी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, वैसे नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये बायोलॉजी मैंने आपके सामने मेरे सामने था तो मैंने सोचा कि आपको कुछ बायोलॉजी से बता देता हूँ। तीसरा, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र का भी दिया हुआ है, पर्वतीय क्षेत्रों में भूखंड की स्थलाकृति के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में प्रत्येक सेटबैक के 50% चौड़ाई के अंतर्गत निर्माण इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होगा कि निर्धारित ग्राउंड कवरेज व FAR में कोई वृद्धि ना हो, एक्सेस ना हो। फिर है, सेटबैक के क्षेत्र के अंतर्गत मार्ग अनुमन्य होगा, और उसके बाद आपका सेटबैक की जो निकल गया ये वाला पॉइंट, सेटबैक क्षेत्र के 33% भाग का क्षेत्र निकल चुका है ये, क्योंकि ये अब नहीं है, पहले था इसमें। अभी फिलहाल मैंने एक ये छोटा सा आपको बताया बायोलॉजी में, मैंने हाइट का और इसका ये ट्विन टावर का और सेटबैक का जो रिलैक्सेशन है वो बताया है मैंने आपको।
आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।